हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। पहली एप्लीकेशन हमने पढ़ ली है जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, और अब हम लोग कंपैरिजन ऑफ एसिडिक और बेस स्ट्रेंथ को कंपेयर करने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट को यूज करके, राइट? सो एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करने के पहले एक बार क्विकली हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि भाई एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है? तो एसिड्स और बेस की डिटेल थ्योरी हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में कवर करी थी, और वहां पर हमने हर टाइप की डेफिनेशंस, आर्गेनियस डेफिनेशन, ब्रॉन्स्टेड डेफिनेशन एंड लुईस थ्योरी, ये सभी के बारे में हमने डिटेल में बात किया था। तो हमारे सिलेबस में जो एसिड्स हमें पढ़ने होते हैं दे आर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है? तो एसिड को आप इस तरह से सोच सकते हो कि बेसिकली व्हाट आर एसिड्स, एक जनरल सी मैं डेफिनेशन अगर दूं तो एसिड्स आर H+ डोनर्स, ठीक है? एसिड वो है जो H+ आयन को डोनेट करे, तो उन्हें हम लोग बोल सकते हैं एसिड्स, दे आर H+ डोनर्स, राइट? ये बात पहले से मालूम है हम सभी लोगों को, आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में हमने पढ़ रखा है, ठीक है? अच्छा, अब क्या है, कुछ तो होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स जो कि, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए HCl, ठीक है, या लेट अस से फॉर एग्जांपल HNO3, और फॉर दैट मैटर वी कैन आल्सो टेक HClO4। तो ये सभी एसिड्स जो है ये वाटर में 100% आयनाइज करते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड्स, दे आयनाइज अप टू द एक्सटेंट ऑफ 100%। जैसे HCl का पूरा पूरा डिसोसिएशन होता है एंड इट फॉर्म्स H+ aqueous प्लस Cl- aqueous, ठीक है? HNO3 का भी 100% डिसोसिएशन होता है एंड इट फॉर्म्स H+ aqueous प्लस NO3- aqueous, एंड लाइकवाइज HClO4 का भी 100% डिसोसिएशन होता है, इट फॉर्म्स H+ aqueous प्लस ClO4- aqueous। तो ये सभी एसिड्स जो है इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और इनका डिसोसिएशन 100% होता है, तो इसलिए इस टाइप के एसिड्स के लिए जिनका 100% डिसोसिएशन होता है, उन एसिड्स के लिए हम लोग, क्योंकि ये 100% रिएक्शन हो रही है, रिवर्सिबल है नहीं, तो इन टाइप के एसिड्स के लिए हम लोग के का वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। के क्या होता है ये हमने आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो पहले आप आयनिक इक्विलिब्रियम के वीडियोज एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है? तो ऐसे एसिड्स क्योंकि 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो इनके लिए के बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं कर सकते, और इन सब की स्ट्रेंथ जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है, हम इनकी स्ट्रेंथ के बीच में भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, और इसको हम लोग लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट भी बोलते हैं। ये भी मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ाया है, व्हाट इज लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है? ये सभी एसिड 100% टूट रहे हैं, तो HCl और HNO3 और HClO4, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के बीच में यू कैनॉट कंपेयर एंड दे ऑल अपीयर टू बी इक्वली स्ट्रॉन्ग, एंड दिस इज नोन एज द लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है? इसी चीज को हम लोग बोलते हैं द लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया हुआ। सो दीज आर इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग कंसिडर करते हैं कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे लेट अस से आई कंसिडर कार्बोक्सिलिक एसिड, मान लो मैं एक एसिड ले लूं R C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है? तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने लिया, ठीक है? अब ये एक ऑर्गेनिक एसिड है और ये एक वीक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे बेटा तो उसका डिसोसिएशन 100% नहीं होगा, उसका पार्शियल डिसोसिएशन होगा, और वो बनाएगा एच प्लस एक्वस प्लस R C डबल बॉन्ड O O माइनस aqueous, इस तरह से पार्शियल आयनाइजेशन होगा, ठीक है? और अगर पार्शियल आयनाइजेशन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहां पर हम लोग एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं जिसे कि हम लोग बोलते हैं K, और K का एक्सप्रेशन ये सब लिखना हम लोगों ने सीखा हुआ है, K का एक्सप्रेशन होगा H प्लस एट इक्विलिब्रियम इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ R C डबल बॉन्ड O O minus at equilibrium upon the concentration of R COOH at equilibrium. इस तरह से we can define an equilibrium constant
which is the concept from ionic and chemical equilibrium, which we have studied earlier. ठीक है, concentrations equilibrium concentrations होनी चाहिए. तो ये एक हमारे पास equilibrium constant आ गया K, और हम लोगों ने define किया था एक pKa का value. ठीक है, which was nothing. pKa हमने define किया था एक term, which was nothing but minus log of K. तो यहां तक की बात हम लोग कर चुके हैं. Now, what do we mean by acidic strength? अगर मैं एक बहुत जनरल सा आपको फील दूं एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो जनरल फील ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिकली ये है कि भाई जिस पर्टिकुलर एसिड के लिए ये इक्विलिब्रियम जितना ज्यादा आगे जाए, जितना ज्यादा इस इक्विलिब्रियम का फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने का टेंडेंसी हो, वो एसिड रिलेटिवली उतना ही स्ट्रॉन्ग माना जाएगा. भाई एसिड का काम क्या है? H+ देना. तो जो एसिड ज्यादा H+ देने की टेंडेंसी रखे, उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा. ये जनरल एक मीनिंग है एसिडिक स्ट्रेंथ का. ठीक है, और इक्विलिब्रियम जैसे जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती जाती है. ये बात हम लोग अच्छी तरह जानते हैं. ठीक है, तो बेसिकली किसी भी एसिड के लिए उसका के का वैल्यू जो है, मतलब जैसे जैसे आप ऐसे समझो कि जैसे जैसे के का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब इक्विलिब्रियम के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी. और यदि इक्विलिब्रियम के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करती जाएगी. दिस इज द जनरल फील ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब कितना ज्यादा वो एसिड H+ देने के लिए ये तैयार है, यही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कहलाती है. तो हायर इज द वैल्यू ऑफ K, द मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ. इस तरह से आप समझ सकते हो. ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद ये बात ध्यान रखनी, भाई के एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. तो अलग अलग एसिड्स के लिए हम लोग जब कंपेयर कर रहे हो तो हम लोग सेम टेम्परेचर पे बात करते हैं. ये नहीं कि एक एसिड को किसी टेम्परेचर पे लिया और दूसरे एसिड को किसी टेम्परेचर पे लिया और तब उनका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है. दिस इज इलीगल, ऐसा नहीं करना है. सेम टेम्परेचर पे ही हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर होती है. और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि के का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो पी के का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा. ये सब कॉन्सेप्ट भी आयनिक में डिस्कस हो चुका है. Now, अब एसिडिक स्ट्रेंथ का ये तो एक जनरल मीनिंग हो गया. एसिडिक स्ट्रेंथ का एक मैथमेटिकल मीनिंग भी होता है, उसको हम लोग एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी दे सकते हैं. तो वो डेफिनेशन क्या है वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं. तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो एक मैथमेटिकल मीनिंग है वो थोड़ा सा एक बार मैं उसको डिफाइन कर देता हूं. तो किस तरह से इसको देखा जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज मैथमेटिकली the concentration of H+, molarity of H+, furnished by one molar concentration of acid solution at 25 degree centigrade. ठीक है, तो क्या मतलब हो गया इस बात का, इसको थोड़ा सा हिंदी में समझें अगर, तो क्या लिखा हुआ भाई, ये लिखा हुआ है कि जैसे मान लो दो एसिड्स हैं, एक एसिड है HA और दूसरा एसिड है HB. ठीक है, दीज आर टू वीक एसिड्स जिनका पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है. आपको बेटा क्या करना है, आपको इनकी रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, इनकी रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है ना. तो अब आप क्या करो कि दोनों का एक वन मोलर और वन मोलर सोल्यूशन दोनों का बना लो. ठीक है, वन मोलर दोनों का सोल्यूशन बना लो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों को लो. 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए है क्योंकि वो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर होता है. तो अब इस सोल्यूशन में कुछ H+ की मोलारिटी होगी. मान लो मैं इसको बोल देता हूँ सोल्यूशन नंबर वन, इसको मैं बोल देता हूँ सोल्यूशन नंबर टू. ठीक है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो होगी कि इस सोल्यूशन में H+ की मोलारिटी क्या है. ठीक है, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी कि इसमें H+ की मोलारिटी क्या है. और अगर दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करनी है तो बेसिकली हमें निकालना है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वन अपॉन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ टू. ठीक है, ये दोनों की रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं. मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन में H+ की मोलारिटी ये पहले वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ है, उसी को एसिडिक स्ट्रेंथ का नाम दे दिया गया. जो मोलारिटी ऑफ H+ है वन मोलर सोल्यूशन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसी को एसिडिक स्ट्रेंथ बोल दिया गया है. ठीक है, तो H+ की मोलारिटी इन सॉल्यूशन नंबर वन अपॉन H+ की मोलारिटी इन सॉल्यूशन नंबर टू. ठीक है,
अच्छा, आयनिक इक्विलिब्रियम हम सब ने पढ़ा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करूंगा। तो H+ की मोलैरिटी को मैं लिखूंगा C इंटू अल्फा 1 या C1 बोल देते हैं, और H2 की मोलैरिटी को मैं लिखूंगा C2 इंटू अल्फा 2। ठीक है, अच्छा इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, ये C1 C2 कट जाएगा क्योंकि दोनों 1-1 मोलर है, तो ये आ जाएगा अल्फा 1 बाय अल्फा 2। और अल्फा 1 हम लोग लिखते हैं रूट ओवर के ए बाय सी, और सी की वैल्यू कितनी है 1, और अल्फा 2 को हम लोग लिखेंगे रूट ओवर के ए 2 बाय सी 2, सी 2 की वैल्यू भी कितनी है 1, दोनों के लिए कंसेंट्रेशन तो एसिड की 1 ही ली है हम लोगों ने। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिखा, और ये हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा रूट अंडर के 1 डिवाइडेड बाय के 2। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ का रेशियो, इसको बोल सकते हैं। और 1 मोलर सॉल्यूशन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो H+ की मोलैरिटी है उसी को हम लोग बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहां पर ऑर्गेनिक में हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के फिजिकल मेजरमेंट में या मैथमेटिकल मेजरमेंट में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, हम एसिडिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में इंटरेस्टेड हैं। कंसेंट्रेशन वगैरह निकालना, अल्फा वगैरह सॉल्व करना, ये सब हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में डिस्कस किया है। यहां पे हम लोग एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने में बेस्ड अपॉन देयर स्ट्रक्चर, इस चीज में हम लोग यहां पर इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर की जाती है, और फिर उसके बाद मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स हमेशा की तरह करवाने वाला हूं। ठीक है, तो एक बार एक जनरल एसिड मैं फिर से मान लेता हूं, लेट अस से HA। तो मैंने कोई एसिड ले लिया, मान लो HA वीक एसिड है, पार्शियल आयनाइजेशन हो रहा है, और इसने आयनाइज होकर बनाया H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि ये इक्विलिब्रियम जितना ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करे, ये इक्विलिब्रियम जितना ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करे उतना ज्यादा के का वैल्यू होगा और उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, अब इस इक्विलिब्रियम के फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी किस चीज पे डिपेंड करेगी? देखो H+ तो सभी जगह कॉमन होगा, भाई मैं यहां पर HA लूं, HB लूं, HC लूं, HD लूं, कोई भी एसिड लूं, सब में H+ तो सेम ही बनेगा। डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा ये A माइनस अलग अलग बार, जैसे यहां पे कोई और एसिड लोगे तो उसका जो अनायन है, और इस अनायन का एक नाम भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं द कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये भी थ्योरी हम लोगों ने कवर की हुई है, और इसको हम लोग बोलेंगे एसिड। ठीक है, ये अगर एसिड है, राइट, इफ दिस इज द एसिड, तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया, या ऐसे बोलें कि एच ए और ए माइनस आर सी ए सी बी पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है बेटा, तो अब क्या है कि ये ए माइनस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस, ए माइनस जो कि कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी जितनी अच्छी हो, जितनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी हो, या ऐसे बोले कि उसकी स्टेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी उतनी खुशी की बात है एसिड के नजरिए से देखा जाए तो। और अगर स्टेबिलिटी उसकी बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, और इक्विलिब्रियम अगर फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा तो के बढ़ेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती जाएगी। तो हम लोग इस एसिड की स्ट्रेंथ का अंदाजा उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को देखकर लगाएंगे, और कॉन्जुगेट बेस है क्या? एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, और नेगेटिवली चार्ज की स्पीसीज, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज की स्टेबिलिटी बिल्कुल वैसे ही डिसाइड होगी जैसे कार्बनायन की स्टेबिलिटी हम लोगों ने डिस्कस करी थी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैं दो एसिड्स ले लूं, लेट से एक एसिड बड़े कॉमन एसिड्स लेता हूं, एक एसिड मैं लूं फॉर्मिक एसिड और दूसरा एसिड मैं लूं एसिटिक एसिड। ठीक है, और मैं तुमको बस इतना सा बोलूं कि बेटा इन दोनों एसिड्स में कौन सा एसिड रिलेटिवली शुड बी द स्ट्रॉन्गर एसिड, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, तो मैंने यहां पे क्या दिमाग लगाया, देखो ये है फॉर्मिक एसिड, नाम मैं लिख देता हूं, कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, IUPAC नेम मीथानोइक एसिड, एंड दिस इज योर एसिटिक एसिड, IUPAC नेम इथानोइक एसिड, राइट? तो ये दो बड़े कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही है। अब अगर इनके कॉन्जुगेट बेसिस सोचें, मतलब ये तो आप सोच पा रहे हो कि ये आयनाइज करेगा तो H+ बनाएगा, अब मैं सीधे इनके कॉन्जुगेट बेसिस बना देता हूं,
तो कॉन्जुगेट बेसिस अगर सोचें तो एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस सी एस का कॉन्जुगेट बेस है एंड सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस ये इसका कॉन्जुगेट बेस। तो ये दोनों के कॉन्जुगेट बेसिस हमने बना लिए, ठीक है। अब आपको क्या लगता है इनमें से किसकी स्टेबिलिटी कम ज्यादा होनी चाहिए? देखो ये सी डबल बॉन्ड ओ माइनस ये पार्ट तो दोनों में सेम है, लेकिन यहां पर लगा हुआ है एच और यहां पर लगा हुआ है सी एच थ्री। एच का कोई इफेक्ट नहीं होता लेकिन सी एच थ्री का लगता है, मिथाइल ग्रुप का लगता है प्लस आई इफेक्ट। और अगर प्लस आई इफेक्ट इसका लगा तो इस पर पहले से नेगेटिव चार्ज है भाई, यहां पर नेगेटिव चार्ज है ए माइनस, जो भी उसका कॉन्जुगेट बेस है वो नेगेटिवली चार्ज है और उस पर ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो चार्ज बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, चार्ज इकट्ठा हो रहा है। पहले से नेगेटिव चार्ज था और इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ भेज दी, पंप कर दी, तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर स्टेबिलिटी कम होगी तो दिस विल बी मोर स्टेबल। ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। एंड अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो दिस विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, दैट मींस कि फॉर्मिक एसिड विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, ठीक है। तो अगर हम इस पूरी थ्योरी को एक लाइन में समअप करें नेक्स्ट स्लाइड में, तो हम ऐसा बच्चों बहुत बड़ा बड़ा मैं लिखने जा रहा हूं ताकि बिल्कुल आपको ये बात क्लियर हो जाए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट एसिडिक स्ट्रेंथ, हम ये बोलने जा रहे हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप्स। अगर माइनस आई वाले ग्रुप्स लगे होंगे, है ना, आपका जो कॉन्जुगेट बेस है वो नेगेटिव चार्ज है, तो अगर उससे कोई मान लो इधर कोई जी लगा हुआ है और ये जी माइनस आई है तो ये इसके नेगेटिव चार्ज को कुछ फैला देगा, स्प्रेड आउट कर देगा, डिस्पर्स कर देगा, तो उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप्स, क्योंकि अगर जो आपका कॉन्जुगेट बेस है उससे जो जी लगा हुआ है अगर उसने प्लस आई लगा दिया तो पहले से नेगेटिव चार्ज है और ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पंप कर दे रहा है, चार्ज इकट्ठा हो रहा है जो स्टेबिलिटी के लिहाज से अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्लस आई वाले ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, या ऐसे बोलें कि जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, राइट। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन। तो एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैंने तीन टाइप्स में बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस, ये किसी बुक की थ्योरी नहीं है, आपको किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट मैंने जो इतने सारे क्वेश्चंस लगाए हैं, देखे हैं अलग अलग बुक्स में, जेई के पेपर्स में, तो उन सब का निचोड़ जो है, उन सब की समरी जो है कि मैंने एक्सपीरियंस के बेसिस पर एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको तीन टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो एक एक टाइप करके मैं आपको तीनों बताता हूं। तो फर्स्ट इज टाइप वन, टाइप वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वो होते हैं जहां पर डोनर एटम इज नॉट सेम, डोनर एटम सेम नहीं है, मतलब जहां से एच प्लस निकल के आने वाला है भाई, मॉलिक्यूल में कहीं एक हाइड्रोजन होगा और वही हाइड्रोजन एच प्लस बन के बाहर आएगा तभी वो एसिड होगा, तो जिस एटम से एच प्लस निकल के बाहर आने वाला है वो एटम्स अलग अलग है, ठीक है, उनके बीच में कंपैरिजन करना है। और वो जो अलग अलग एटम्स हैं दे बिलोंग टू अ ग्रुप, एक ग्रुप में है, चाहे टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, ठीक है, दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप ये किसका है, पीरियोडिक टेबल वाले ग्रुप की बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, लेट से अगर आपको कंपेयर करना है HF HCl
HBr और HI, इन चारों का आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, इन चारों एसिड्स का। तो इन चारों में देखिए क्या चीज हो रही है कि H जिस एटम से लगा हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन H+ बन के बाहर आने वाला है, और H जिस एटम से लगा है वो एटम अलग अलग हैं। यहां पर वो एटम है फ्लोरीन, यहां पर है क्लोरीन, यहां पर है ब्रोमीन एंड यहां पर है आयोडीन। एंड ये सारे के सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब पीरियोडिक टेबल के एक ग्रुप के हैं, दे आर ऑल हैलोजन्स, ठीक है। तो अब यहां पे हमको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो अब देखो इसको सोचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहले तो जो मैंने तुम्हें थ्योरी बताई उसी तरह से बताता हूं कि जैसे अब सोचो आप, अच्छा कभी भी हमें एक ग्रुप में कोई कंपैरिजन करना होता है, इट इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन साइज। ग्रुप में कोई, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे साइज बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है। तो कभी भी ग्रुप का कोई भी कंपैरिजन होता है वो उसके लिए क्राइटेरिया हमेशा साइज होता है, हमेशा साइज के बेसिस पे कंपैरिजन करना है। ये बात इनऑर्गेनिक में भी लागू होती है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इन सब के कॉन्जुगेट बेसिस बनाकर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया F माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस बना F माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस बना Cl माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस बना Br माइनस, और इसका कॉन्जुगेट बेस बना I माइनस। तो सब पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इनकी साइजेस के बारे में अगर मैं कुछ चर्चा करूं तो फ्लोरीन का साइज है सबसे छोटा, क्लोरीन का साइज है उससे बड़ा, ब्रोमीन का साइज है उससे बड़ा, और आयोडीन का साइज है उससे भी ज्यादा बड़ा, ठीक है। तो फ्लोरीन में क्या है, जो नेगेटिव चार्ज है वो बहुत छोटी सी जगह में है, और आयोडीन में वो नेगेटिव चार्ज बहुत बड़ी सी जगह में डिस्पर्स्ड है, फैला हुआ है। तो तुम्हें क्या लगता है ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए, आई माइनस या एफ माइनस? आई एम श्योर आप सब लोग अगर अभी तक मेरे लेक्चर फॉलो कर रहे हो तो आपको ये बात याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि चार्ज जितना ज्यादा फैला हुआ हो उतना खुशी की बात है, उतना ज्यादा अच्छा है स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो आई माइनस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर बी आर माइनस की, फिर सी एल माइनस की, फिर एफ माइनस की, और अगर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो यू आर स्मार्ट इनफ टू गेस द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट। सो एच एफ लेस देन एच सी एल लेस देन एच बी आर लेस देन एच आई। एक और तरीके से हम इस सेम प्रॉब्लम को सोच सकते थे, वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि एच एफ में जो बॉन्ड है ये बना है 1s और 1s और 2p के ओवरलैप से, ठीक है। HCl में जो बॉन्ड है ये बना है 1s और 3p, क्योंकि फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का है। और HBr में जो बॉन्ड है ये बना है 1s और फोर्थ पीरियड का है, तो 4p के ओवरलैप से। और HI में जो बॉन्ड है ये बना है 1s और 5p के ओवरलैप से। तो यहां पर HI के केस में जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं उनके बीच में साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 1s बहुत छोटा उसकी तुलना में, 5p बहुत बड़ा। तो साइज का डिफरेंस जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल उसमें छोटा सा है, नन्ना सा बेचारा बच्चा सा, दूसरा ऑर्बिटल बड़ा सा है, तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो इफेक्टिव नहीं हो पाती है। तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं है मतलब बॉन्ड कमजोर है, और बॉन्ड अगर कमजोर है तो HI बॉन्ड सबसे वीकेस्ट, सबसे आसानी से टूटेगा, और सबसे आसानी से टूटेगा तो सबसे इजिली H+ ये देगा। सो आवर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वाटर आंसर तो खैर पहले से ही पता है, बट ये उसी चीज को देखने का एक नया नजरिया है। और आगे से ये सब कहानी तुम समझ गए, बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आया, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे प्यारे बच्चों सीधे सीधे याद करो कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप कभी भी जाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बात खत्म, ठीक है। कोई इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डाउन द ग्रुप गए तो एसिड नीचे गए, मतलब इस तरह से नीचे गए, डाउन द ग्रुप नीचे जा रहे हैं इसे समझो, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे जाने पर बढ़ती जा रही है क्योंकि बॉन्ड वीक होता जा रहा है। तो चलो आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। अब तुम्हें सोचना है खुद, फटाफट कॉपी पेन उठाओ और लिखना चालू करो और फटाफट मेरे सवालों का जवाब। क्वेश्चन नंबर 2, OH, ठीक है, और यहां पर लगा हुआ है SH। चलो बताओ इन दोनों में
क्या लगता है कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए? नेचुरली SH ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जैसे भी आप सोचो H प्लस हटाओ बॉन्ड वीक हो गया, और ये देख लो कि जो कंडीशन मैंने लिखी थी वो कंडीशन हो रही है कि डोनर एटम इज डिफरेंट और एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो, H2O और H2S, चलो इन दोनों में क्या लगता है कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? फिर से डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, यहां पर पानी का स्ट्रक्चर आप सोच सकते हो, दिस इज पानी का स्ट्रक्चर और दिस इज H2S का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डोनर आइटम देखो दोनों केस में अलग अलग है, डोनर आइटम इज डिफरेंट, लोन पेयर वगैरह बना लेना खुद से, मैं बार बार नहीं बना रहा हूं, डोनर आइटम अलग अलग है, और तो ये बॉन्ड वीकर है, या ऐसे सोचो इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, ये आसानी से टूटेगा, दिस इज द स्ट्रॉन्गर, ठीक है। आई होप एवरी वन इज फॉलोइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 4, ROH एंड RSH विच इज द स्ट्रॉन्गर एसिड? Obviously RSH, इसको बोलते हैं अल्कोहल और इसको बोलते हैं थायोल, ठीक है। तो ये कभी कभी जनरल स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है, थायोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स, ट्रू और फॉल्स? सो ऑब्वियसली यू विल से ट्रू, दिस इज ट्रू, थायोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स। क्वेश्चन नंबर 5, PHOH फिनॉल प्लस एंड PHSH, इन दोनों को कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 6, NH3 एंड PH3, इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। तो बताओ भाई फटाफट क्या आंसर हो जाएगा इन दोनों में? तो इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे, अगेन सेम टाइप का सवाल है, डोनर एटम इज डिफरेंट, डोनर एटम इज डिफरेंट एंड दे बिलोंग टू अ ग्रुप, एक ग्रुप के हैं, डाउन द ग्रुप जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने कवर किया पूरी तरह से टाइप, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग अब डिस्कस करते हैं अबाउट टाइप 2, टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज टाइप 2? टाइप 2 इज डोनर एटम डिफरेंट हो डोनर एटम डिफरेंट, डोनर एटम अलग अलग है लेकिन वो एक पीरियड को बिलोंग करते हैं, ठीक है, दे बिलोंग टू अ पीरियड, सेम पीरियड, बिलोंग टू अ पीरियड, और पीरियड में जब भी कोई कंपैरिजन करना होगा तो वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज में कोई खास चेंज नहीं आता। देखो अभी इसके पहले क्या था, तुम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे थे पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब जा रहे थे तो साइज वहां पे इंक्रीज कर रहा था, ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रहा था, लेकिन एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे जो प्रॉपर्टी बहुत तेजी से चेंज होती है वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तभी तो एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर लेफ्ट में मेटल से शुरुआत होती है और एंड तक आते आते नॉन मेटल्स आ जाते हैं, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जो प्रॉपर्टी डोमिनेटिंगली वेरी करती है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कभी भी तुम्हें पीरियड में अगर सोचना होगा तो यू विल थिंक अपॉन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। टू एक्सप्लेन माई पॉइंट फर्दर, एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग जिससे आपको बात और समझ में आए। 4 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, सिंपल सिंपल, CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया, H2O वाटर एंड HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। और इन चारों मॉलिक्यूल्स की हमको कंपेयर करनी है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अब देखिए, पहले तो आप ये पहचानिए कि डोनर एटम अलग अलग है, यहाँ पे डोनर एटम कार्बन है, मतलब जिससे H लगा हुआ है, यहाँ पे डोनर स्ट्रक्चर मन में सोच लीजिए, मैं बना नहीं रहा हूं, बहुत सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं तो आई होप आपको स्ट्रक्चर पता होंगे। डोनर एटम है नाइट्रोजन, यहां डोनर एटम है ऑक्सीजन और यहां डोनर एटम है फ्लोरीन, ठीक है, और ये सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो अब क्या होगा कि यहां पर अब आप कॉन्जुगेट बेस के बेसिस पर जब सोचोगे तो जब इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, मतलब ये H+ यूज कर देगा मीथेन, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। जो मीथेन का कॉन्जुगेट बेस बनेगा, मैं पूरा कॉन्जुगेट बेस नहीं बना रहा हूं, पूरा कॉन्जुगेट बेस होगा CH3-,
ठीक है, H प्लस निकालने के बाद। लेकिन उस सी एस सी माइनस में जो नेगेटिव चार्ज है वो तो कार्बन पे आएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा, और इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पर आएगा। अब ये एक क्या है, जनरल सी बात है, बड़ी कॉमन सेंस की है ना, कि जितना ज्यादा एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल है। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की प्रॉपर्टी। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा अच्छा, और पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि भाई पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड में हम लोग जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ये आई एम श्योर सबको पता होगा बट फिर भी मेरा फर्ज है एक बार आपको याद दिला दूं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर। तो फ्लोरीन भैया क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज है उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा सबसे ज्यादा, तो उस पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होना रिलेटिवली सबसे ज्यादा स्टेबल है। कभी देखा है सोडियम पे, मेटल पे नेगेटिव चार्ज आते हुए देखा है? नहीं, रेयरली कभी आए तो आए, अदरवाइज स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा उस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल, तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये। और अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो एसिडिक कॉन्जुगेट बेस का, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप सोच सकते हो। तो पीरियड में क्या ध्यान रखना है कि पीरियड में जैसे ग्रुप के लिए याद किया, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है और उससे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर द एसिडिक स्ट्रेंथ, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ओके, तो एक और एग्जांपल करते हैं, चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे ही करना है हमको अब। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है कि मान लो आपको कंपेयर करना है H2S और HCl, इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपेयर करना है। ठीक है, तो अब H2S और HCl में कैसे कंपेयर करोगे भाई? देखो यहां पर सल्फर और क्लोरीन सेम पीरियड के हैं लेकिन क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पर ज्यादा स्टेबल होगा तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इसी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, एल्कीन जैसे फॉर एग्जांपल RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, एंड दिस इज एल्काइन, सॉरी नॉट एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन एंड एल्केन, इन तीनों का एसिडिक स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करना है, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा कम होगा, किसका ज्यादा होगा। तो अब आप बोलोगे कि सर आप ये एग्जांपल यहां क्यों करवा रहे हो, यहां तो डोनर एटम सेम ही है, यहां भी डोनर एटम कार्बन है, यहां भी डोनर एटम कार्बन है, यहां भी डोनर एटम कार्बन है। ठीक है, तो ठीक है डोनर एटम सेम है लेकिन उसकी हाइब्रिडाइजेशन तो अलग अलग है ना। मैंने आपको डोनर एटम सेम में अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट कवर किया है। ठीक है, तो यहाँ डोनर एटम तो सेम है, चलिए मान लिया ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो सभी जगह से डोनर एटम सेम निकलने वाला, लेकिन इन कार्बन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अलग अलग है। ये कार्बन है sp, ये कार्बन है sp2 और ये कार्बन है sp3, एंड वी नो दैट जितना ज्यादा परसेंट s कैरेक्टर होता है, जितना ज्यादा परसेंट s कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक में। तो अब क्या है कि ये जब H प्लस देगा तो sp वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे इसका अगर कार्बनायन हम लोग बनाने की कोशिश करें तो एल्काइन का कार्बनायन ये बनेगा, इसी तरह आप एल्कीन का भी सोच सकते हो और एल्केन का भी सोच सकते हो। चलो एक और मैं बना देता हूं, एल्केन का कार्बनायन ये बनेगा, ये है sp3 और ये है क्या sp, तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका भी सोच लो है ना, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp वाले की ज्यादा है ना भाई, तो इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी और इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो डोनर एटम सेम था बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग थी, तो उसके बेसिस पर भी वी कैन कंपेयर।
ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात आपको बताता हूं, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था CH4 और NH3 इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर की थी थोड़ी देर पहले, ठीक है, और आप सबने आंसर दिया था कि अमोनिया इज मोर एसिडिक देन मीथेन, अमोनिया का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू मीथेन, राइट। और फिर इसके बाद ऑब्वियसली इसमें एक दो चीजें और थी, बट अभी मैं केवल इतने पार्ट पर फोकस करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये आंसर तो सही है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन और नाइट्रोजन इनमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑब्वियसली आप बोलोगे सर अभी आपने बोला लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो बढ़ती है तो भाई नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइब्रिडाइजेशन पर भी तो डिपेंड करती है ना, मतलब ये जो कार्बन है ये कैसा कार्बन है मैंने ये तो नहीं बोला, तो हाइब्रिडाइजेशन से जो फर्क पड़ता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ऐसा मत समझो कि sp2 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हो गई कि फ्लोरीन से भी ज्यादा हो गई, विद इन द सेम एलिमेंट जैसे कार्बन sp भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है और sp3 भी हो सकता है, ठीक है। इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है लेकिन बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। दूसरे एलिमेंट में ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज है, लेकिन यहाँ पे क्या एक छोटा सा पॉइंट हमें देखना है कि ये, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं आगे चल के यूज भी करूंगा। अब ये कार्बन की आपने भी बोला कि ये तो जनरल बात हो गई कि सर कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ठीक है, लेकिन ये कार्बन कैसा है ये इस बारे में तो चर्चा नहीं हुई। अब ये कार्बन sp भी हो सकता है, ये कार्बन sp2 भी हो सकता है और ये कार्बन sp3 भी हो सकता है। इस दिशा में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है विद इन कार्बन, है ना, मतलब sp3 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 कार्बन है और sp2 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp कार्बन। उसी प्रकार से ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन भी sp हो सकता है, sp2 भी हो सकता है और sp3 भी हो सकता है। नाइट्रोजन की भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है ना भाई, जैसे मान लो नाइट्रोजन किसी इस तरह से प्रेजेंट है HCN, ठीक है, तो इस नाइट्रोजन की मैं बोलूं भाई एक सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी sp, तो नाइट्रोजन भी sp हो सकता है, sp2 हो सकता है, sp3 हो सकता है। तो यहां का आप कोई भी कॉम्बिनेशन लो, यहां का आप कोई भी कॉम्बिनेशन लो और इधर का भी कोई भी कॉम्बिनेशन लो, मतलब चाहे sp2 कार्बन ले लो और sp3 नाइट्रोजन ले लो, ठीक है, sp3 कार्बन ले लो, sp नाइट्रोजन ले लो, कोई भी कॉम्बिनेशन लो, इधर का कोई भी कॉम्बिनेशन और इधर का कोई भी कॉम्बिनेशन लो, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम ही आएगी, मतलब नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन देयर इज जस्ट वन स्मॉल एक्सेप्शन कि इधर का अगर आप ले लो टॉप मोस्ट वाला, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इधर का आप ले लो सबसे बॉटम मोस्ट वाला, मतलब सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, तो फिर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने लगती है, मतलब कि यदि कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है और जो पड़ोस में बगल में नाइट्रोजन खड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि इसका मैक्सिमम वाला लिया गया है और इसका मिनिमम वाला लिया गया है, तो ऐसे केस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। बच्चों इस तरह से और भी कहीं कहीं जगह होता होगा, पर तुम्हें डेटा बैंक नहीं बनना है, तुम्हें दुनिया जहान के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा अपने दिमाग में नहीं याद रखना है, इससे जो एक आध जगह जो काम के इस तरह के एक्सेप्शन आएंगे वो मैं बताता चलूंगा, ठीक है, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और यही केमिस्ट्री की खासियत है कि जो आप पढ़ते हो वही चीज आती है, ठीक है। तो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के sp3 वाले से ज्यादा होती है, ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। और नाइट्रोजन की sp3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है लगभग 3.0 के आसपास और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.25 sp वाले। अब इस बात का इंपॉर्टेंस क्या, आप सोचोगे सर ये सब बकवास क्यों बता रहे हैं आप, क्या फायदा हो रहा है इससे, तो इससे फायदा ये हो रहा है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से हमें मिलने जा रहा है, और वो कंक्लूजन ये है कि एक टर्मिनल एल्काइन
टर्मिनल एल्काइन, ठीक है, अगर आप एक टर्मिनल एल्काइन लो, टर्मिनल एल्काइन मतलब क्या हो गया, टर्मिनल एल्काइन मतलब हुआ कि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एल्काइन वाली जो पोजीशन है वो एकदम चेन के एंड पर है, ठीक है। अगर एल्काइन टर्मिनल होगा तभी वो एसिडिक नेचर शो कर पाएगा, क्योंकि अगर अगर आपने कोई इंटरमीडिएट नॉन टर्मिनल एल्काइन ले लिया तो उसके पास तो H+ देने के लिए रहेगा ही नहीं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाली लोकेशन से। जैसे आप सपोज करो कि कोई कार्बन की चेन है ना, और इसमें बीच में कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये एल्काइन टर्मिनल नहीं है, दिस इज अ नॉन टर्मिनल एल्काइन, दिस इज अ ये एक नॉन टर्मिनल एल्काइन है, ठीक है, दिस इज अ नॉन टर्मिनल एल्काइन, नॉन टर्मिनल एल्काइन। तो ये जो नॉन टर्मिनल एल्काइन है, अब इसमें देखो ना भाई, ये कार्बन जो है ऑलरेडी चार बॉन्ड बना के बैठा है ना, तो इसके पास हाइड्रोजन लगाने की कहां क्षमता है, कहीं हाइड्रोजन ऐसे थोड़े ना हाइड्रोजन लगा दोगे यहाँ, ये सब पाप हो जाएगा, कार्बन का पांच बॉन्ड बनाना पाप है ना, ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता है। तो टर्मिनल एल्काइन मतलब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो टर्मिनल पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो टर्मिनल एल्काइन के पास क्या होता है कि H+ देने की, H+ देने की पॉसिबिलिटी है फ्रॉम sp वाला कार्बन। जैसे इसमें हो सकते कि यहां पर हाइड्रोजन हो, लेकिन वो हाइड्रोजन sp वाले कार्बन से तो नहीं जुड़ा है ना, समझ रहे हो मेरी बात को, यहां पे क्या है, हाइड्रोजन sp वाले कार्बन से जुड़ा है। तो टर्मिनल एल्काइन के पास sp वाले कार्बन से हाइड्रोजन देने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर एक तरफ है टर्मिनल एल्काइन और दूसरी तरफ है अमोनिया, ठीक है, तो इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ अगर मैं कंपेयर करने के लिए बोलूं तो बेटा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन इन योर कॉपीज दैट टर्मिनल एल्काइन, इसको आगे हम लोग यूज भी करेंगे बहुत सारी जगहों पे, दैट टर्मिनल एल्काइन्स आर more acidic than ammonia, ammonia से ज्यादा acidic है, are more acidic than ammonia, ठीक है। क्या आप समझ पाए हो कि ऐसा क्यों हुआ है भाई, इसका कार्बनायन बनाओगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा sp वाले कार्बन पर, और इसका कार्बनायन मतलब इसका कार्बनायन तो नहीं बोलेंगे, मतलब जो कॉन्जुगेट बेस है वो बनाओगे, और इसका इसको कार्बनायन बोल सकते हो, लेकिन इसका कॉन्जुगेट बेस कार्बनायन तभी बोलोगे ना जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो उसमें sp वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसका जब कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो sp3 वाले नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और ये है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने टाइप 1 और टाइप 2 ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना सीखा है, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स भी किए और एसिडिक स्ट्रेंथ का मीनिंग भी समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 3 के बारे में बात करेंगे जब डोनर एटम सेम, ठीक है। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस, और पूरा ऑर्गेनिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, एंड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगी हो तो जरूर उसको कमेंट में भी हमें बताएं, एंड थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग।